पानीपत में अविश्वास प्रस्ताव देख भाजपा की जिला परिषद चेयरपर्सन ने इस्तीफा दे दिया है। ज्योति शर्मा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुलाई मीटिंग में आईं। थोड़ी देर मौजूद रहने के बाद पर्याप्त वोट न देख वह मीटिंग से उठकर बाहर आ गईं और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे के बाद ज्योति शर्मा ने कहा, मैं अपना इस्तीफा देकर मीटिंग से बाहर आई हूं। मैंने सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की थी, सीएम के कहने पर इस्तीफा दिया। वह मुझे कोई नई जिम्मेदारी देंगे। चेयरपर्सन की कुर्सी छीने जाने को लोकसभा से पहले पानीपत में भाजपा को झटके के रूप में देखा जा रहा है। वहीं जिला उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मीटिंग निर्धारित समय 3 बजे शुरू हुई और आधे घंटे का पार्षदों के आने का इंतजार किया गया। 3:30 पर मीटिंग शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही जिला परिषद चेयरपर्सन ज्योति शर्मा ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया, जिसके चलते अब यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं रहा, इसे इस्तीफा माना जाएगा। साथ ही जिला उपायुक्त ने कहा, हमारी तरफ से मीटिंग के लिए और वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी थी, लेकिन जिला परिषद वाइस चेयरमैन सुरेश मल्लिकार्य ने कहा, जब इस्तीफा दे दिया है तो वोटिंग का अब कोई औचित्य नहीं है। जिला उपायुक्त ने कहा, अब जिला परिषद चेयरपर्सन की वैकेंसी खाली हो गई है, जिसकी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग को लिखा जाएगा और पूरी रिपोर्ट आज की प्रक्रिया की दी जाएगी। वहीं उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया व दोबारा चुनाव के लिए 6 महीने का समय बताया। पाँच तारीख को मैंने रिजाइन कर दिया था और जैसे मैं डीसी ऑफिस में पहुंची थी तो सर नहीं मिले थे, तो मेरा 5 तारीख को मैंने रिजाइन कर रखा है। और अब क्या है कि इनको वोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके पास चेयरमैन का चेहरा इन्होंने अभी नहीं दिया कि वोट किसके लिए होगी। अविश्वास है, अविश्वास के लिए मैंने अपना पहले ही रिजाइन कर दिया है। तो अब क्या है, अब क्या होगा, चुनाव दोबारा होगा। जो भी प्रत्याशी आएगा उसको 12 वोट नहीं, उसको 9 वोट चाहिएगी, जैसे पहले चुनाव हुआ था। और अगर ये कहते हैं कि अब आप इसका रिजाइन नहीं दे सकते, तो ऐसा कोई इंटीमेशन दिया ही नहीं गया कि आप रिजाइन नहीं कर सकते। मीटिंग का जो हमारी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होने का समय था 3 से 3:30 का था, मैंने 3:25 पे वो लेटर दिया हुआ है। और कल भी मैं डीसी साहब को लेटर देने आई थी तो मुझे डीसी साहब ऑफिस नहीं मिले थे, तो मेरा रिजाइन कल से ही था और मैं अपना रिजाइन दे चुकी। आप अपनी हार मान चुकी है, हार मानने की बात मानी जाएगी इसको? ये हार नहीं होती। मुझे मैं आज सीएम साहब के साथ हमारा महिला वंदन था, करनाल में था नारी शक्ति वंदन के लिए, तो मैं तो अपनी पार्टी के काम पे ही लगी हुई हूँ। और ये पार्टी के अपने आप को दावेदार बताते हैं, पार्टी का पटका तक इनके पास नहीं है, पार्टी का कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको विदित था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन था आज ज्योति शर्मा जो जिला परिषद की चेयरमैन थी उनके खिलाफ 6 तारीख के लिए। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि माननीय हाईकोर्ट ने भी ये था कि ये मीटिंग एक बार फिक्स करके कि इलेक्शन प्रक्रिया करानी है, जब भी करानी है इन ए टाइम बाउंड मैनर, तो आज की डेट रखी हुई थी। तो 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी थी, 3 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई। 3:30 बजे तक ये था कि जो भी आना चाहे वो आ सकता है मेंबर, 3:30 बजे के बाद टाइम बाउंड था ये। 3:30 बजे पहले इसकी सूची उनको बता दी थी कि 3:30 बजे बाद यदि मेंबर बाहर भी खड़ा होगा तो एंट्री नहीं होगी। फिर मीटिंग 3 बजे फिक्स थी, उसके बाद डिस्कशन होना था, उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ती तो मतदान होना था। क्योंकि ज्योति शर्मा ने अपना त्याग पत्र दे दिया है तो खुद विधायक उन्होंने 13 पार्षद जिन्होंने हाथ उठा के उनके अगेंस्ट कहा कि हम उनके अगेंस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वोटिंग का कोई औचित्य नहीं बनता। तो हमने वो कार्रवाई डालवा के उनसे कि जी हमने वोटिंग नहीं करानी, तो वोटिंग नहीं हुई। बाकी जो उनका त्याग पत्र था और जो उनके वो हुए जो उन्होंने खड़े होकर अपना पक्ष रखा हर एक मेंबर ने कि जी हम अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में हैं, तो 13 आदमी अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में था। पर चूंकि ज्योति शर्मा ने अपना रिजाइन दे दिया था तो इसलिए वोटिंग नहीं हुई। अब इसका नेक्स्ट आप कहेंगे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अब इसका हम यहाँ से प्रक्रिया पूरी होगी, आज डिपॉजिट करा देंगे हम। बैठक में जैसा कि पहले से ही 1 महीने से ज़्यादा से प्रक्रिया चली हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित था कि चुनाव संपन्न कराया जाए। सारा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय ने चुनाव बड़ी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाया।
जैसे ही 3:30 बजे मीटिंग शुरू हुई, 3:30 बजे तक का टाइम उसमें सभी पार्षदों का पहुंचने का एकदम एग्जैक्ट टाइम रखा गया था, तो 3:30 बजे ही ज्योति शर्मा जी भी वहां पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। लेकिन चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी तो उस वक्त इस्तीफा से काम नहीं चल सकता था, चुनाव संपन्न करना ही था, तो सारी चुनावी प्रक्रिया में सब समय लगा और सभी की वोट उसमें डली। तो कहीं कहीं उनको लगा कि उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा उनको जुटाना था उसको नहीं जुटा पा रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या चुनाव हुए? हाँ, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चलती है तो बीच में रुक नहीं सकती। जैसे आप अन्य चुनाव भी आप देखते हैं, नामांकन का भरने का अपना समय है, उसका उठाने का अपना समय है, उसके बाद कोई करता है तो फिर चुनाव का बेल्ट सिंबल मिलता है तो अंदर फिर चुनाव हुआ। तो कोई कैंडिडेट भी चुना गया, कोई चेहरा नहीं? ये कैंडिडेट चुनने की आज तिथि नहीं थी श्रीमान जी, आज था खाली उसके प्रति जो प्रधान मैडम थे उनके प्रति विश्वास और अविश्वास का। तो अविश्वास प्रस्ताव जो आया था उसके पक्ष और विरोध का ही चुनाव था। तो आज खाली वो हटे हैं, जो अगली चुनावी प्रक्रिया है वो बाद में है। 12 पार्षदों की जीत हुई है आज निश्चित तौर पे। सर, जिला उपायुक्त का ये कहना है, कि अविश्वास प्रस्ताव शुरू होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनका इस्तीफा होगा, ये अविश्वास प्रस्ताव रहा ही नहीं? नहीं, मैं अंदर मीटिंग का हिस्सा हूँ, मुझे लगता है कि इनके आपके समझने में न रह गया, ऐसा वो नहीं है। वो तो सारी प्रोसीडिंग बुक है, उसमें एक एक बात को बड़ा माइन्यूटली लिखा गया है, तो उसमें सारा चुनावी प्रक्रिया उसमें हुई। कई बार तरीके होते हैं, कई बार हाथ उठा करके रिकॉर्डिंग करा करके खड़े होकर के या उसको बेल्ट पेपर से मशीन से, वो एक अलग अलग तरीका है। सेक्रेट बेल्ट पेपर से नहीं हुआ लेकिन चुनाव संपन्न हुआ। उपायुक्त ने ये कहा कि आपने, आपका नाम लिया गया कि आपने खुद खड़े होकर कहा कि मैंने प्रस्ताव रखा कि अब मैडम आए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जो मौजूद सभी अन्य हमारे गणमान्य पार्षद हैं तो सबकी इच्छा थी, तो मैंने उनकी ओर से प्रस्ताव रखा सदन में। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।